नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं हूं पूजा मिश्रा। चलिए आपको ले चलते हैं लोकतंत्र के महापर्व की तरफ, जहां आम चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल हैं। इसमें 3 हॉट सीट है, आजमगढ़, इलाहाबाद और सुल्तानपुर। कल हमने आजमगढ़ के सियासी समीकरणों की बात की थी और आज हम बात करेंगे इलाहाबाद और सुल्तानपुर की। कैसा है यहाँ का सियासी माहौल, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में इलाहाबाद सीट का नाम भी आता है। लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, मुरली मनोहर जोशी, जनेश्वर मिश्र जैसे राजनीतिक दिग्गज यहां से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर देश भर की निगाहें हैं। मौजूदा समय में यहां बीजेपी का कब्जा है, लेकिन सांसद पार्टी का दामन छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं और इस बार यहां टक्कर है दल बदलुओं के बीच। इलाहाबाद ही नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी कद्दावर नेता रीता बहुगुणा जोशी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। रीता जोशी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। कभी बीजेपी का झंडा थाम कर चुनाव लड़ने वाले योगेश शुक्ला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र पटेल भी भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के श्याम चरण गुप्ता सपा के रेवती रमण सिंह को 62,009 मतों से मात देकर सांसद चुने गए। इस चुनाव में बसपा की केसरी देवी पटेल तीसरे और कांग्रेस के नंद गोपाल नंदी छठे स्थान पर रहे थे। उत्तर प्रदेश में गोमती किनारे बसे सुल्तानपुर की सल्तनत इस बार किसके हाथ आएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस सीट पर कांग्रेस से लेकर जनता दल, बीजेपी और बसपा जीत का परचम लहराने में कामयाब रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट पर कभी भी जीत का स्वाद नहीं चख सकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी ने 410,348 वोट हासिल किए थे और 1,78,902 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के पवन पांडे रहे थे, जिन्होंने 2,31,446 वोट हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी के शकील अहमद 2,28,144 वोट पाकर तीसरे, तो कांग्रेस पार्टी की अमिता सिंह 41,983 वोट पाकर चौथे स्थान पर रही थी। इस बार बीजेपी ने यहां मां बेटे में सीट की अदला बदली की और वरुण की जगह मेनका को दे दी। कांग्रेस से ताल ठोक रहे संजय सिंह 2009 में यहां से सांसद रह चुके हैं। गठबंधन की ओर से टिकट पर बाहुबली चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू मैदान में है। देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि इलाहाबाद में कौन से दल बदलू पर जनता विश्वास जताती है और सुल्तानपुर के सल्तनत का काबिज कौन होगा। मेनका को मिलेगा वरुण के कर्मों का फल या फिर काम आएगा सोनू का बाहुबल या फिर हावी होगी कांग्रेसी दल। फिलहाल ये तो था छठे चरण के रण के सुल्तानपुर और इलाहाबाद का हाल। हम एक बार फिर हाजिर होंगे आखिरी यानी कि 7वें चरण की हॉट सीटों का हाल लेकर। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।